हम 22 करोड़ बेकारी हैं। ये नया फुंतरू कौन है? हा? बच्चा बच्चा जानता है, ये सब जानते हैं। हम बी की गंदम खाते हैं। बजाओ ताली। हम अपनी सोहनी धरती पर अपनों की लाशें गिराते हैं। हम पर जरा एहसान करो। क्या रे भिकमंगिया, ये मुश्किल तो आसान करो। इस धरती में दम घुटता है, एक वीजा हमको दान करो। हलवाई क्या? कोई ठूक 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 ठूकता नहीं है पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर। हलवा खाएं और सो जाएं। हम अपने काम से काम रखते रहे। अच्छा, हम लोगों ने अपनी इम्प्रूवमेंट की तरफ ध्यान दिया। अच्छा, और अल्लाह का शुक्र ये है कि पाकिस्तान भीख दे। अबे भाई ऐसे कौन भीख मांगता है यार। भीख दे इसने। ये हमारा हक है, हम आपसे भीख नहीं मांग रहे। The next day. क्यों देगी आपको दुनिया पैसे? आपके लीडर की फैक्ट्रियों के लिए देगी पैसे? हाँ। प्राइवेट महल के लिए पैसे दे, दुनिया आपको पैसे नहीं देगी। दुनिया में किस नजर से सिस्टम देख रही होगी? ये जानवरों का मुल्क है, यहाँ पे इंसान नहीं बसते। सर दुनिया तो मैं कहती है भिखारी को। आज कोई कायदे आजम को कब्र से उठाए, उनसे पूछे कि बाबा कायद ये पाकिस्तान बनाया था, वो तोबा तोबा कर उठे। कायदे आजम सेड मेरे जाने के बाद मुल्क की क्या माँ है, आपको महंगाई के हाथों इतना है कि आप चिल्ला भी नहीं सकते हैं। मुल्क की माँ है, जागो, क्या आके सोते ही रहोगे? आप अमेरिका से डरते हैं? ये नया फुंतरू कौन है? क्या है अमेरिका? कुछ भी नहीं। हमारा कोई बंदा जी जी ये बच्चा खाली ये खड़ा हो जाए, 1 करोड़ काफर खड़ा हो। अच्छा, ये हमारा एक मुसलमान लड़का या जवान ऐसे खड़ा हो जाए, ये डरेगा नहीं। क्यों भाई जान, ऐसी बात है, 1 करोड़ सामने कोई भी नॉन मुस्लिम खड़ा हो और आप अकेले खड़े हो, डरेंगे नहीं? अभी नहीं। इन्होंने जो बात की आप इसे एग्री करते हैं? बिल्कुल एग्री करते हैं। इन्होंने बोला है कि 1 लाख आगे खड़ा हो, चाहे वो चाहे खड़ा हो, पूरी दुनिया काफर खड़ी हो, एक ये लड़का खड़ा हो, ये नहीं डरेगा। एक पैर केले के छिलके पे, दूसरा कब्र में, फिर भी लंबी लंबी छोड़नी है। हमारी कोई इज्जत नहीं है कहीं पे भी, इसमें तो कोई शक नहीं है। हमारा मुल्क हमारे पॉलिटिशियंस के हाथ में नहीं है, आप बेहतर जानते हैं किसके हाथ में। समझ गया। मैं दुबई गया, मैंने कहा कि यार ये बड़े पौधे लगे हैं, कहते ये मिट्टी आई है ना, ये मिट्टी भी इंडिया से आई है। सुनते जाइए। मैंने कहा यार पाकिस्तान की मिट्टी नहीं, कहते यार मिट्टी में भी बेईमानी थी। अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की बेहतरीन अफवाज मौजूद है, दुनिया के बेहतरीन हथियार हमारे पास मौजूद है। क्या लंबी लंबी छोड़ रहा है यार ये। तो हम अपने दिल से कहते हैं ना, लेकिन रैंकिंग वाइज अगर इंटरनेशनल रैंकिंग वाइज देखा जाए, हम 6वें 7वें 8वें नंबर पे आते हैं, इंडिया दूसरे तीसरे नंबर। वाह मोदी जी वाह, जब हमारी फौज ये नारा लगाती है ना तो रैंकिंग उधर नहीं देखी जाती, उधर ईमानी जज्बा ईमानी देखा जाता है। चूतिया बनाया तुमको। जिस वक्त ये फौज कलमा तैयबा पढ़ती है ना। अच्छा, मैं समझता हूँ किसी रैंकिंग की पीछे जरूरत नहीं है, आगे नहीं देख, कोई कोई जरूरत नहीं रह जाती, कोई आगे टिक नहीं सकता। जब आप दुनिया से मांग के अपना मुल्क चलाएंगे, मांगते भी किस लिए? अपने मुल्क के लिए नहीं मांगते, अपने लिए मांगते। तू साला बोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार हो। आप लोग अभी लाहौर में नाश्ता करने का बड़ा दिल चाहता था। हाँ भाई हाँ, तो आप बुला ले, हम आगे नाश्ता कर लेंगे आपके यहाँ पे, अभी बुला ले। अल्लाह के फजलो करम से खुद इंडिया से कई दर्जे अच्छी सलाहियत रखते हैं, हमारे पास है एटमी ताकत। इधर आओ, हम बताएगा आप लोगों को। इधर भारत जो है ना, वो मुहिब्बे वतन लोग हैं, वो मेहनती लोग हैं। क्या बात है, हम इतने झूठ बोलते हैं, तोबा तोबा तोबा, बेईमानी करते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज ही कोई नहीं। दूध में मिलावट, गोश्त में मिलावट, नमक में मिलावट, पत्ती में मिलावट, चीनी में मिलावट, फिर हम कहते हैं कि जी ला इलाहा इल्लल्लाह, इसने कलमा पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलल्लाह, जन्नत उसके ऊपर वाजिब हो गई। पावर के तौर पर हम ज्यादा आगे हैं या फिर हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया आगे? भाई हम पाकिस्तान पावर के तौर पे मजबूत है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। पाकिस्तानी कुछ डॉलर के लिए अपनी माँ को बेच सकते हैं। दोस्तों मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये बात, ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है मेजर की। आप जाके इंटरनेट पे देखो, पाकिस्तानीज कैन सेल देयर मदर्स फॉर अ फ्यू डॉलर्स। कौन सी पावर है आपके पास, वो पावर जरा शो करवाएं आज। पावर यही है हमारे पास, जज्बा है। इस कॉम में बहुत जज्बा है, कल भी मैंने देखा, हर जगह देख रहा हूँ। कौन सा जज्बा? यही जो मतलब हमारी पाक फौज में है। अच्छा जी, हमारी फौज जो है नंबर 1 है।
अगर आपके पास इतना जज्बा है, आपके पास इतना जज्बा है तो 71 की जंग में पता क्या हुआ था? 93,000 फौजियों ने सिलेंडर क्या सिलेंडर भी इन्होंने सिलेंडर इसलिए किया है कि भी हमारा मुल्क अब सेफ हो गया है, इसलिए इन्होंने सिलेंडर भी किया है। अच्छा ने अपनी मर्जी से किया भाई, हम किसी से नहीं डरते, इसलिए सिलेंडर किया भी। अपना बाकी की जो फौज थी और बाकी का जो हमारा मुल्क था उसको तो बचाना ही था ना। अच्छा, सिलेंडर किया। हाँ जी। तूने क्या मिक्स किया है पांडुरंग? बता तो क्या पी के आया है? ये सच है कि तरक्की की दौड़ में मगरिब हमसे बहुत आगे है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? तरक्की याफ्ता है, जदीद है, माशी तौर पर बहुत मजबूत है, टेक्नोलॉजी में आगे है। अच्छा, कानून की बालादस्ती है वहाँ, ठीक है, शहरियों को आजादी हासिल है, ठीक है, समझिए आजादी इजहार राय है और इसमें कोई शक। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। पाकिस्तान जैसा भी है लेकिन अब तक यहाँ रिश्तों का तकद्दस कायम है, रिश्तों का बड़ों का एहतराम कायम है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। रुक, तेरे को बताते कैसा कहर हुआ बरपा। एक तो बाप ऊपर से ठहरा कानून का रखवाला, उसके दस्ते शफकत ने ही उड़ा दी धजियां बेटी की नामूस की। सारी कायनात बाप और बेटी के मुकद्दस रिश्ते की गवाही देती है, लेकिन यही चार दीवारी बन गई बेटी की इज्जत की दुश्मन। सर पर इज्जत की चादर ओढ़ने वाले बाप ने ही दागदार कर दी नामूस बिनते हव्वा की। और हमें अपने बुजुर्गों से, अपने दीन से नस्ल दर नस्ल ये रिवायात मुंतकिल होती आई हैं, जो हमारे माशरे का एक हुस्न है। रुक, तेरे को बता दे पापा का भी दोस्त हूँ और तुम्हारे मामू का भी। मेरा तो मामू नहीं है। तुम्हारा मामू क्यों नहीं है? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं? अभी बता दे भाई। क्या बता रही थी आप मुझे? अच्छा, और उससे पहले क्या थे? क्या वजह है कि आज पाकिस्तान को कोई मुस्लिम कंट्री प्रेफर नहीं कर रही, भारतीयों को क्यों प्रेफर कर रही है वीजा फ्री एंट्री? पाकिस्तान में जितने मिनिस्टर सिलेक्ट होके आते हैं ना, आवाम और सब जो है ये पैसे के ऊपर बिकने वाली कौम है ये, इसलिए जो पैसे के ऊपर बिकने वाली कौम होती है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, कोई कदर नहीं होती। क्या बात है, भारत को क्यों वीजा फ्री एंट्री मिल रही है? भारत एक जो उसके सिलेक्ट होके जो नुमाइंदे आते हैं ना, वो मुल्क के साथ मुखलिस हैं। वाह, क्या सीन है। वो पैसे लेके समलियों में नहीं बैठे हुए, हम तो पैसे लेके समलियों में बैठे हुए। ये पाकिस्तान इसलिए बना था? हाँ भाई हाँ। भारत एक मुल्क है। हमारा मुल्क नहीं है, हमारा भी तो मुल्क है, लंगड़ा लूला मुल्क है। ये मुल्क है ही नहीं, आप समझ ही नहीं रही। ऐसे नहीं बना था हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान। हम हिंदुस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते? नहीं, पाकिस्तानी है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तानी तो कहते हैं हम तो हर हाल में मुकाबला कर सकते हैं। बातों में क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिकली कुछ करके तो दिखाओ। हाँ। क्या हम नहीं कर सकते? क्या नहीं कर सकते भाई, सर हमारे पास तो एटम बम भी है। मुझे बॉम्ब बांधो, मैं मरने के लिए तैयार हूँ, मैं उड़ने के लिए तैयार हूँ। सिर्फ एटम है, बॉम्ब नहीं है। सिर्फ हम बातें कर सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते। और ये चलन कोई नया नहीं है। तो क्या हिंदुस्तान हमसे ज्यादा तरक्की कर रहा है? बेशक, आप देख लो। कैसे भाई? ये देखो ना कि वो अपने मुल्क के साथ सिंसियर है। तो हमारे अंदर का जज्बा किधर गया? सो गया। शुभरात्रि, गुड नाइट। बहुत शुक्रिया सर। ने अभी तक वीडियो को लाइक भी नहीं किया, और हाँ शेयर भी नहीं किया, और सब्सक्राइब करना तो भूल ही गए हो, है ना? जल्दी से करो लाइक शेयर और सब्सक्राइब, और कमेंट में फिजा को पहलते हुए जरूर जाना। ओके। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।